हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो किस टॉप कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? लॉज ऑफ मोशन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों के बीच डिफरेंस, उन दोनों के बीच कॉमन पॉइंट्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा इसी आशा करता हूँ। तो इस टॉपिक में मतलब इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कॉमन पॉइंट्स क्या है, वो हम देखने वाले। तो लेकिन पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा करके ऐसे। तो क्या था वो था हमारा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे मैंने बता तो दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ, बताने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप और एक बार सुनोगे तो अच्छी बात है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे मैंने बोला था डिस्टेंस, डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। मैं बोलूंगा डिस्टेंस मतलब 4 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको, डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब मैग्नीट्यूड है और प्लस डायरेक्शन भी है। स्केलर को डायरेक्शन नहीं थी, वेक्टर को डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। अगर मैं वही 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर और उसकी जरूर कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, मतलब दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन होना जरूरी होता है जब वो पॉइंट मतलब जब वो क्वांटिटी वेक्टर होती है, तब वेक्टर क्वांटिटी मतलब ही जिसको डायरेक्शन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिनको सिर्फ वैल्यू है, ऐसी क्वांटिटी मतलब स्केलर और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों है, वो हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारे लेवल पे इतना हमें काफी है स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है ये जानने के लिए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में कुछ बता देता हूँ ऐसे। तो हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम, इनमें कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है, बताइए मुझे। आपको तो पता है लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर, बताऊंगा कैसे, स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, टाइम स्केलर, टाइम को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। टाइम मतलब हमें पता है टाइम हमारा समय, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो चलिए अब हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, सब। तो स्पीड मतलब हमको पता है, हम मतलब हमेशा स्पीड ये जो वर्ड है हमेशा यूज करते, कितनी स्पीड से चला रहा था वो, थोड़ा धीरे चला, इतनी स्पीड का अच्छी नहीं है, स्पीड पे कंट्रोल करो, बहुत स्पीड है उसकी, बहुत स्पीड से लिखता है वो। हम स्पीड है जो वर्ड है बहुत जगह इस्तेमाल करते, लेकिन उसका एग्जैक्ट स्पीड मतलब क्या होता है हमको शायद पता होगा भी या नहीं भी। तो चलिए हम देख लेते। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों कंपैरिजन में लिखे पॉइंट्स। क्यों लिखे ऐसे कंपैरिजन में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में काफी बार स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, और अगर पूछा भी ना जाए तो भी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स है, कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए कंपैरिजन में हम देखेंगे। तो देखिए स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम बोलते हैं स्पीड। अभी यूनिट टाइम मतलब क्या, यूनिट का मतलब हमें पता है, यूनिट मतलब वन होता है, तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर या फिर 1 ईयर भी, टाइम का कौन सा भी यूनिट हम लेंगे और 1 होगा तो हो गया यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1, यूनिट टाइम में कुछ भी आ सकता है, 1 सेकंड भी, 1 आवर भी, 1 मिनट भी, 1 ईयर भी, जो जो टाइम की यूनिट है वो कोई भी आ सकते हैं। तो यूनिट टाइम मतलब आपको पता चल गया। तो एक सपोज हम सेकंड देखेंगे अभी, तो 1 सेकंड में अगर एक बॉडी 4 मीटर कवर कर रही है डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये यूनिट है, हम देखेंगे अभी। तो 4 मीटर कवर कर रही है 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। सपोज कोई व्हीकल है जो 25 किलोमीटर जा रही है, कितने में, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर भी क्या हो गया यूनिट टाइम हो गया, यूनिट मतलब 1 है, आवर तो टाइम का यूनिट है, यूनिट मतलब आपको पता है ना जिससे हम मेजर करते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम को किस में मेजर करते, सेकंड में, आवर में,
ईयर में भी टाइम को मेजर करते हैं। तो देखिए 25 किलोमीटर वन आवर में अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो डेफिनेशन से है हमने देखा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, ये हो गया डेफिनेशन स्पीड का। अभी वेलोसिटी का डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे भी डिस्टेंस ही आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। देखिए डायरेक्शन, अगर डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ आ गया इसका मतलब क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, सीधी सी बात है। अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बोलेंगे तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये और कुछ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह हम सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, यहाँ पे मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, ये भी वेलोसिटी की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम दोनों जगह कॉमन है, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, वो हो गई उसकी वेलोसिटी। या फिर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या हो गई उसकी वेलोसिटी। डिस्टेंस विथ अ डायरेक्शन, वही मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये वाली भी, कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन भी इन यूनिट टाइम, तो हो गया वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का सीधा सीधा फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यूनिट टाइम में निकालने वाले तो मतलब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट टाइम में कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज हमको यूनिट टाइम में निकालनी होती तो हम टाइम से डिवाइड करते। तो देखिए डिस्टेंस हमें यूनिट टाइम में निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगी, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला है सीधा सीधा। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। तो देखिए अभी यूनिट SI यूनिट जो है स्पीड का मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। देखिए आप डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला है तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर हमको पता है, टाइम का SI यूनिट सेकंड हमको पता है, तो स्पीड का SI यूनिट क्या होगा, दोनों के आप SI यूनिट पुट करेंगे, ऊपर मीटर पीछे सेकंड, मीटर पर सेकंड SI यूनिट हो गया। अगर वही हम CGS यूनिट देखें तो डिस्टेंस का CGS यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का CGS यूनिट सेकंड ही होता है, टाइम का SI भी सेकंड, CGS यूनिट भी सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड का CGS यूनिट बन गया। और किलोमीटर पर आवर में भी हम स्पीड बोल सकते हैं, डिस्टेंस का किलोमीटर एक यूनिट है हमको पता है, टाइम का आवर एक यूनिट है हमको पता है, अगर डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट लेंगे तो स्पीड मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये SI और CGSI, किलोमीटर पर आवर ये भी एक यूनिट है किसका, स्पीड का। अभी वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी की भी वही यूनिट आनी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन हमको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट डिस्टेंस के यूनिट से इक्वल है, सेम ही है, तो नीचे तो दोनों के टाइम ही है, तो वही यूनिट आना है, मीटर पर सेकंड SI यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट, किलोमीटर पर आवर ये भी एक यूनिट है, क्योंकि दोनों को जो यूनिट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के इक्वल है, टाइम का तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, तो इसलिए दोनों के यूनिट सेम आ रहे हैं। वैसे ही हुआ था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी, यूनिट सेम थे, तो यहाँ पे भी उन दोनों के यूनिट सेम होने की वजह से ही स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम आ रही। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है उसकी, कोई तो डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी होती है, हमने देखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्लियर बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हमको पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, तो उसको भी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। अभी जो डिस्टेंस, अभी जो स्पीड है रिलेटेड टू डिस्टेंस है, स्पीड मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड है, हमने देखा स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है,
तो स्पीड जो है डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये लास्ट वाली डेफिनेशन हमने देख ली, डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस बोल सकते हैं या कंपेरिजन में हमने देख लिया, ताकि आप हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों पॉइंट, दोनों तरफ की जो पॉइंट है अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि स्पीड पे नोट लिखने के लिए बोलो तो ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, वेलोसिटी पे नोट लिखने के लिए बोला जाए तो ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस लिखने को बोला जाए तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। इनमें कॉमन क्या है, यूनिट इन दोनों का कॉमन है, आप लिख भी सकते या नहीं भी लिख सकते डिफरेंस में कोई बात नहीं। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। और स्पीड को डिस्टेंस और टाइम बोल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम भी होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूँ, वहां से फिर तीसरे पॉइंट जा रहा हूँ, फिर चौथे पॉइंट जा रहा हूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस है ए, बाद में बी डिस्टेंस, बाद में सी डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस कवर की मैंने, पहले ए फिर बी फिर सी, और टाइम मुझको कितना लगा T1, T2, T3। मतलब ए डिस्टेंस कवर करने के लिए T1 टाइम लगा, बी डिस्टेंस कवर करने के लिए T2 टाइम लगा, और फिर वहां से सी डिस्टेंस कवर करने के लिए T3 टाइम लगा। तो मेरा जो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मेरी स्पीड कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तो मतलब एग्जाम्पल के जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। तो देख लिया हमने स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से बताना चाहता हूँ एकदम। तो आप लोगों ने आशा करता हूँ नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अब मैं एरप करने वाला हूँ, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, वही शीतल संगीता का घर, दोनों का स्कूल, ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, वही एग्जाम्पल हम देखने वाले। तो देखिए, हमको पता था लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था शीतल का घर है, संगीता का घर उससे 500 मीटर दूर है, 500 मीटर। फिर संगीता के घर से स्कूल जो है वो 1200 मीटर दूर है, अगर हम शीतल से घर से डायरेक्ट स्कूल जाते तो वो 1300 मीटर दूर है। तो ये हमने देखा था, तो ये पाथ ए है, शीतल से संगीता के घर पे जाने का जो रास्ता है पाथ ए, इसे हम पाथ ए बोलेंगे, और संगीता के घर से स्कूल को जाने का जो रास्ता है वो पाथ बी है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि शीतल को संगीता के घर जाने के लिए पाथ ए से 5 मिनट का टाइम लगता है, टाइम कितना लगता है 5 मिनट, और संगीता से घर से स्कूल को जाने के लिए जो कि 1200 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो उसके लिए 24 मिनट टाइम लगता है, कितना 24 मिनट, जो कि पाथ बी है। तो पाथ बी को जाने के लिए, फॉलो करने के लिए, या फिर डिस्टेंस उतना कवर करने के लिए 1200 मीटर का 24 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें शीतल की स्पीड निकालनी है, पाथ ए के अलॉन्ग उसकी स्पीड क्या होगी, पाथ बी के अलॉन्ग उसकी स्पीड क्या होगी, या फिर अगर वो डायरेक्ट जाती है तो फिर उसकी, हम वैसे बोल नहीं सकते कि वो डायरेक्ट जा रही है, क्योंकि वो तो पहले संगीता के घर जा रही है फिर स्कूल जा रही है, तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है और फिर उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। तो हमको पता है, क्या पता है, हमको फार्मूला पता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला हमको पता है। तो शीतल की स्पीड अलॉन्ग पाथ ए, तो मैं लिखूंगा शीतल की स्पीड अलॉन्ग पाथ ए, स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग पाथ ए, ये जो पाथ ए उसके अलॉन्ग, तो फार्मूला हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का। तो हम उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, हमको पता है 500 मीटर डिस्टेंस है, 500 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है हमें, टाइम दिया गया है 5 मिनट, कितना टाइम दिया गया है 5 मिनट। तो वैल्यू क्या आएगी, 500 अपॉन 5 100, तो हमें मिल क्या रहा है 100 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट जो हमें मिल रहा है वो मीटर पर मिनट है, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर यूनिट है और टाइम का यूनिट हमें क्या दिया गया है 5 मिनट। तो मीटर पर मिनट में हम निकालेंगे तो 100 मीटर पर मिनट हमको मिल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग पाथ बी, जो संगीता के घर से स्कूल जा रही है वो पाथ बी है, तो उस पाथ पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए, मैं अभी ये पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, फक्त सिर्फ क्या लिखूंगा अलॉन्ग पाथ बी, तो क्या मिलेगा, शीतल की स्पीड अलॉन्ग पाथ बी, तो क्या मिलेगा फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना दिया गया 1200 मीटर, 1200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है 24 मिनट, हमको पता है
टाइम दिया गया है संगीता के घर से स्कूल जाने के लिए 24 मिनट, तो डिनोमिनेटर में 24, तो मिनट, तो कितनी वैल्यू मिलती है जब हम उसे सॉल्व करते हैं, तो 50 मीटर पर मिनट ये हमको मिल गया। ये स्पीड हो गई अलोंग पाथ ए, अलोंग पाथ बी, डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला यूज करके निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, शीतल की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल स्पीड। टोटल स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए टोटल स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड ऑफ शीतल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले 500 मीटर फिर 1200 मीटर, तो क्या आएगा ये 500 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना, पहले 5 मिनट फिर 24 मिनट, तो नीचे टाइम 5 प्लस 24, तो कितना आ गया है 1700 बाय 29। ऊपर जो है मीटर है, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस का मीटर है, और नीचे 15.6 मिनट मीटर पर मिनट, यूनिट जो है मीटर पर मिनट 58.6। अब हम इसे टोटल स्पीड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे एवरेज स्पीड बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, एवरेज। संगीता की जो एवरेज स्पीड है, पाथ ए और पाथ बी दोनों को फॉलो किया उसने, दोनों की स्पीड निकाली हमने अलग अलग, अभी एवरेज स्पीड क्या है इन दोनों पाथ पे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर हम टोटल स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन टोटल मतलब यूज करना बराबर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि एवरेज अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमने निकाल लिया। अब हम क्या क्या बोल रहे थे, हम क्या निकालने के बारे में, हम बोल रहे थे वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे बॉक्स किया मैंने, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वी डिनोट करूंगा मैं वी से, तो कितनी है उसकी वेलोसिटी, सॉरी तो वेलोसिटी कितनी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर, हमको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है 1300 मीटर, हमको पता है। तो हम लिखेंगे 1300 डिवाइडेड बाय टाइम। अभी टाइम उसको इस पॉइंट से स्कूल को जाने के लिए टोटल कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग पॉइंट है फिनिशिंग पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का हमने मिनिमम डिस्टेंस 1300 मीटर लिया, तो इन दोनों के बीच जाने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगा, 5 मिनट प्लस 24 मिनट, टोटल 29 मिनट, कितने लगे 29। तो ये मीटर है और ये मिनट है, तो क्या आ गई, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 44.83। तो हम क्या मिला, 44.83 मीटर पर मिनट। कभी भी वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो उसका यूनिट लिखना मत भूलिए, जिन जिन क्वांटिटी का यूनिट होता है उनका यूनिट मेंशन किया कीजिए, ताकि मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा अगर हम यूनिट लिखेंगे तो, पर एक अच्छी प्रैक्टिस है जब हम यूनिट लिखते हैं। तो 44.83, तो हमने देख लिया पाथ ए के अलॉन्ग स्पीड, पाथ ए अलॉन्ग पाथ ए की जो लेंथ है अपॉन वो कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 100 मीटर पर मिनट मिल गया, पाथ बी के अलॉन्ग उसकी स्पीड, पाथ बी की लेंथ अपॉन पाथ बी फॉलो करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो, फिर हमने एवरेज स्पीड निकाली ए और बी की, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ए और बी का टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 1200 डिवाइड बाय टोटल टाइम 5 मिनट प्लस 24 मिनट, तो निकाल लिया हमने 58.6। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस दो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच, जो कि 1300 मीटर है, और टोटल टाइम स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का मतलब वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट जाने के लिए टोटल टाइम 5 मिनट प्लस 24 मिनट लगा, जो कि 29 मिनट है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 44.83 मीटर पर मिनट हमको मिल गया। तो ये क्या था, सिंपल सी बात थी, क्या था ये, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड हमने निकाल लिया। तो फिर हम आज के लिए यही पे रुकते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे आप, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में शायद हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो कौन कौन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे चेंज होती है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए अभी इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सारे जो भी 10th क्लास के बच्चे आपके, जो भी पहचान के, जो भी आपके दोस्त है फ्रेंड है,
उन सबको शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, किस पे भी, व्हाट्सएप पे या और फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कीजिए। ये वीडियो की लिंक आप शेयर कर सकते हैं और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और अगर अब तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो है कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मतलब बेझिझक पूछिए, जो भी आपको इसके रिलेटेड आपको जो भी पूछना है, जो भी आपको मुझे बताना चाहते हो, आप सजेस्ट करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मतलब डरने की कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी मुझे पूछना है वो आप पूछ सकते हो। तो ये बात हो गई। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, वो जो बात है वो ये है कि हर चैप्टर की जो लास्ट ट्यूटोरियल होगा, हर चैप्टर का लास्ट ट्यूटोरियल, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर का क्विक रिकैप बोल के एक पीडीएफ आ जाएगा। क्विक रिकैप मतलब उस चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स या फिर नोट्स बोल सकते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे मतलब शॉर्ट में एकदम, मतलब जब आप उसे देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, अरे हाँ हमने पढ़ा था। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ोगे, कुछ दिनों बाद आप अगले चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आपको ये चैप्टर लगेगा कि अरे मैं कुछ भूल गया इस चैप्टर का, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो जब आप वो क्विक रिकैप का पीडीएफ देखोगे तो आपको झट से याद आ जाएगा, अरे हाँ हमने ये पढ़ा था, मुझको अभी याद आ रहा है। तो आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए या फिर आपको रिमाइंड करने के लिए फिर से सारी चीजें क्विक रिकैप का पीडीएफ में डालूंगा, हर चैप्टर के लास्ट ट्यूटोरियल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं डाल दूंगा। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।